सीडीएस विपिन रावत ने कहा भारत किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार है और पाकिस्तान की भारत को बदनाम करने की क्या है साजिश। चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के भारत के दावे को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसे लेकर हमारे साथ कोई सबूत साझा नहीं किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान से पिछले हफ्ते ड्रोन देखे जाने की घटना की जांच की मांग की थी और कहा था कि ऐसी सुरक्षा चूक दोबारा न हो। एलएसी विवाद पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत को किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने पहले ऐसा किया है और आगे भी ऐसा करेंगे। सीडीएस रावत ने कहा कि दोनों ही देश ये समझते हैं कि शांति स्थापित करना उनके सर्वोत्तम हित में है, जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होने से पहले पाकिस्तान कश्मीर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और ISI ने अपने राजनयिकों से कश्मीर पर नकारात्मक मीडिया कवरेज पर जोर देने को कहा है। UNGA का 76वां सत्र 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे एक बार फिर उजागर हुए हैं। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है, इससे वो भीषण परमाणु युद्ध लड़ सकता है। 1998 में पाकिस्तान के पास 5 से 25 परमाणु हथियार होने का अनुमान था। मौजूदा समय में उसके पास 110 से 130 परमाणु बम हो सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की अपनी अपनी सेनाओं में बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, ये खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट में शामिल कर लिया है, जिसके बाद दोनों देशों पर सैन्य मदद को लेकर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। चीन ने दुनिया से छिपाकर सिचुआन प्रांत में एक सीक्रेट गांव बसाया है। गूगल मैप की तस्वीर से इस बात का खुलासा हुआ। चीन ने अपने सीक्रेट गांव का नाम याकियांदू रखा है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और ननों को बसाया गया है। इस गांव में इमारतें छोटी बनाई गई हैं, इस वजह से ये मॉडल टाउन नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बड़बोले नेताओं को जमकर फटकार लगाई है। बाजवा ने कहा है कि बयानबाजियों की वजह से देश को बुरे दिन देखने पड़ेंगे। पाकिस्तानी सेना ने नेताओं को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विभाजनकारी राजनीति से बचने की समझाइश भी दी। यूनिसेफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चों को पोलियो का टीका नहीं लगा है। अप्रैल और जून के बीच टीकाकरण होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये हो नहीं सका। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान के कई हिस्सों में माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगाने से डरते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। आरिफ अलवी ने भारत पर अफगानिस्तान शांति वार्ता को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अड़चन बना रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।